हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नॉइस की स्मार्ट वॉचेस में कैसे सॉन्ग्स प्ले करोगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूं कि आपको सॉन्ग्स कैसे प्ले करना है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी वॉच को कनेक्ट करना है नॉइस के ऑफिशियल ऐप से। तो ऑफिशियल ऐप से कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि नॉइस का ऐप है नॉइस फिट हेल्थ एंड फिटनेस। तो इस ऐप से आपको कनेक्ट करना है और यहाँ आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है वॉच में, फ़ोन में वॉच से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने वॉच से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ लोकेशन ऑन कर दिया है। तो अब मैं आपको ऐप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको ऐप में जाना है, तो यहाँ मैं ऐप ओपन कर लूँगा। तो यहाँ अब आप देखोगे तो यहाँ अब वॉच ऐप से कनेक्ट हो चुकी है, लिख के आ चुका है ऊपर कनेक्टेड। तो अब वॉच कनेक्ट हो चुकी है ऐप से, क्योंकि अगर आप एक बार कनेक्ट करोगे और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर दोगे तो खुद कनेक्ट हो जाती है। तो अगर अब आपको नॉइस के वॉच में सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो आप यहाँ ऐप में देखोगे तो यहाँ आपको कोई भी फीचर नहीं मिलेगा नॉइस की वॉच में सॉन्ग्स प्ले करने के लिए। पर आपको ये चेक करना है कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो मैं वॉच को एक बार फाइंड कर लेता हूँ, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि वॉच कनेक्ट हो चुकी है ऐप से। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सॉन्ग्स कैसे प्ले करना है। तो अब आपको अपनी वॉच में जाना है। तो यहाँ अब मैं वॉच में आ चुका हूँ। तो आप देखोगे यहाँ ऐप्स में, तो यहाँ आपको म्यूज़िक का ऑप्शन मिल रहा है पर वो खुलेगा नहीं। तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि वो क्यों नहीं खुल रहा है। तो अब आपको यहाँ जाना है नोटिफिकेशन में, और वैसे तो नॉर्मल वॉचेस में अलग होता है पर नॉइस की वॉच में कुछ अलग हो रहा है। तो अभी यहाँ आपको जाना है नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन में आपको ऐप नोटिफिकेशन को अलाउ करना है। और ऐप नोटिफिकेशन को अलाउ करने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ नॉइस पे टैप को अलाउ कर देना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको नॉइस पे टैप को अलाउ करना है, और अगर ये डायरेक्ट ना खुले तो आपको सेटिंग्स में जाना है और नोटिफिकेशन एक्सेस में जाके ऐप की नोटिफिकेशन को एक्सेस देना है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ ये डिसेबल आ रहा है, अभी हमको इसको एनेबल करना है। तो यहाँ पे ये एनेबल हो चुका है, तो अभी ये एनेबल हो चुका है नोटिफिकेशंस। तो इसमें ब्लूटूथ का कुछ भी काम नहीं होता। वैसे दूसरी वॉचेज़ में ब्लूटूथ लगता है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा इस वॉच में नहीं लगता है। और इस वॉच में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको स्पीकर मिलता है वॉच में, पर वॉच में स्पीकर आपको मिल रहा है पर स्पीकर वर्क नहीं करता। मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं यहाँ सॉन्ग प्ले करूँगा, तो यहाँ मैं सॉन्ग्स में जाऊँगा और अब यहाँ सॉन्ग प्ले करूँगा। तो अब आप देखोगे तो ये सॉन्ग प्ले हो चुका है, पर अभी आवाज़ जो है वो फ़ोन में ही आ रही है। तो अब यहाँ मैं म्यूज़िक में जाऊँगा तो आप देखोगे क्या नाम लिख के आ रहा है। आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, सॉन्ग को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, सॉन्ग चेंज कर सकते हो। पर आप देखोगे तो अभी भी वॉइस जो है फ़ोन में से ही आ रही है। तो अगर मैं इसको ब्लूटूथ नॉर्मल वॉचेस में अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे ना तो जो साउंड है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अभी यहाँ सॉन्ग में प्ले कर रहा हूँ, अभी मैं ब्लूटूथ में जाऊँगा और यहाँ मैं वॉच से कनेक्ट कर दूँगा। तो अभी आप देखोगे तो वॉच कनेक्ट हो चुकी है पर साउंड अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ये देखिए अभी भी जो आवाज़ है फ़ोन में से ही आ रही है। तो मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि इस वॉच में साउंड आ रही नहीं है। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वॉच का वो इस तरीके से डेवलप हुआ कि सॉन्ग्स इस वॉच में प्ले नहीं हो सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। तो अब सेटिंग्स में जाओगे तो ये सिर्फ कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ, मतलब आप नॉइस की जो वॉच है जो कि अल्ट्रा है उसमें आप मतलब जो भी प्रीमियम कैटेगरी की वॉचेज है जो कि नॉइस वेरेबल ऐप से कनेक्ट होती है ये वाले ऐप से, तो उसमें आप सॉन्ग्स प्ले नहीं कर सकते हो। वॉच में अगर साउंड नहीं आएगी पर फ़ोन में आ जाएगी, मतलब आप सॉन्ग्स को ऑपरेट कर सकते हो जैसे कि आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो पर सॉन्ग्स वॉच में नहीं सुन सकते हो, फ़ोन में सुन सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।